जब एक पति अपने भाई को की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 इन दोनों मूवी की 30 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले। इसके अलावा बात करेंगे पुष्पा 2 मूवी की इंडिया की एडवांस बुकिंग के बारे में। आज से पुष्पा 2 मूवी की इंडिया की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी अभी तक क्या अपडेट आई है इसके बारे में भी बात करने वाले है। अगर आप लोग भी पुष्पा 2 मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में। आज इस मूवी को रिलीज हुए तो 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो कल के दिन पर कलेक्शन निकल के आई है जो कि चौंका देने वाली कलेक्शन है और इस मूवी ने उम्मीदों से कहीं ज्यादा की कलेक्शन निकल के आ चुके कल के दिन पर। अगर बात करें सिंघम अगेन मूवी की तो इस मूवी ने सिंघम अगेन से भी ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है कल के दिन पर और इस मूवी की कलेक्शन लगातार सिंघम अगेन मूवी से ज्यादा निकल के आ रही है। तो ऐसे में देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती। अब बहुत जल्द सिनेमाघरों में पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने वाली है तो देखते हैं पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने से पहले ये मूवी और किस तरह से कलेक्शन कर पाती है और ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में कहां तक जा पाएगी। और आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर ऑडियंस की तरफ से इस मूवी के लिए तो अच्छी रिस्पॉन्स ही मिली थी और इसी वजह से इस मूवी की कलेक्शन भी अच्छी निकल के आई, लेकिन इस मूवी ने जो कलेक्शन करके दिखाया है और सिंघम अगेन मूवी को जो पछाड़ा है ये उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी इस तरह से कलेक्शन कर सकती है। और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित देखने को मिलने वाली है, जहां इस मूवी का बजट 150 करोड़ के आसपास, लेकिन इस मूवी ने अपने बजट से ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। और आज इस मूवी को रिलीज हुए एक महीने भी कंप्लीट हो चुके हैं, 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन अभी भी अच्छी निकल के आ रही है और देखते हैं ये मूवी इस वीकेंड में कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी। और इस मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन भी निकल कर आ चुकी है 28 दिनों की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के 28 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। और इस मूवी ने 28 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 251 करोड़। इस मूवी ने 28 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 300 करोड़ 75 लाख। 28 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर चुकी है 78 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 378 करोड़ 75 लाख। इस मूवी ने 29वें दिन पर भी इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 2 करोड़ 40 लाख। देखा जाए तो इस मूवी को रिलीज हुए 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी ने 29वें दिन पर भी इंडिया नेट कलेक्शन कर चुकी है 2 करोड़ 40 लाख। और इस मूवी ने 29 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 253 करोड़ 40 लाख। 30वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 3 करोड़ 50 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है आज के दिन पर। सिंघम अगेन मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, इस मूवी को भी आज रिलीज हुए 30 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन वीकेंड आने के बाद फिर से जंप देखने को मिलती है तो आ चुकी है फिर से वीकेंड और इस वीकेंड में देखते हैं किस तरह से कलेक्शन कर पाती है। इस मूवी ने कल के दिन पर हल्की सी जंप देखने को मिली इस मूवी के कलेक्शन में, लेकिन देखा जाए तो अभी जो कलेक्शन निकल के आ रही है भूल भुलैया 3 मूवी की वो पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ है और भूल भुलैया 3 मूवी की जो कलेक्शन अभी निकल के आ रही है ना वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंघम अगेन से ज्यादा निकल के आ रही है। देखते हैं पुष्पा 2 मूवी की रिलीज होने से पहले इन दोनों मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कहां तक जा पाती है। और आप लोगों ने इन दोनों मूवी को देख लिया तो इन दोनों मूवी में से आप लोगों को कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी थी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी इन दोनों मूवी की कलेक्शन जितनी उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा की निकल के आ चुकी है तो उम्मीद करते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आगे आने वाले दिनों में भी अच्छी कलेक्शन करेगी। और भूल भुलैया 3 मूवी की कलेक्शन को देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 2024 की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है और ये मूवी 2024 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित हो चुकी है। सिंघम अगेन मूवी के साथ क्लैश हुई थी, उसके बाद लग रहा था कि सिंघम अगेन के साथ ये मूवी उतनी खास कलेक्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन इस मूवी ने सभी को गलत साबित करने के बाद जो कलेक्शन करके दिखाया है ना अभी वो पूरी तरह से उम्मीदों से कहीं ज्यादा की निकल के आज की। और सिंघम अगेन मूवी ने जो अभी तक कलेक्शन करके दिखाया जो कि एक ठीक ठाक डिसेंट कलेक्शन कह सकते हैं, लेकिन अपने बजट के हिसाब से ये मूवी भी अच्छी कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन इस मूवी से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कलेक्शन करेगी, लेकिन ये मूवी उस तरह से तो कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन अपने बजट के हिसाब से
अच्छी कलेक्शन कर चुकी है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट की। तो इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण देखने को मिलने वाले हैं। जहां इस मूवी का बजट 350 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस मूवी ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी कमाई कर चुकी और इस मूवी की भी 28 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है। और इस मूवी ने 28 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 242 करोड़ 60 लाख, 28 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 291 करोड़ 10 लाख, 28 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर चुकी है 75 करोड़, 28 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 366 करोड़ 10 लाख। इस मूवी की 29वें दिन की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 29वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 1 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने 29 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 244 करोड़ 10 लाख। 30वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर इस मूवी की जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 2 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं आज के दिन पर यह मूवी किस तरह से कलेक्शन कर पाती है। पुष्पा 2 मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, तो पुष्पा 2 मूवी ने जो अभी तक जो कलेक्शन करके दिखाया है ओवरसीज में एडवांस बुकिंग लेवल पर जो कि उम्मीदों से कहीं ज्यादा की निकल के आ चुकी है और बड़े बड़े मूवी के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। अब ऐसे में देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आगे आने वाले दिनों में किस तरह से निकल के आती है। इस मूवी की एडवांस बुकिंग लेवल पर बॉक्स ऑफिस पर तो ये मूवी 2024 की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अभी तक जो एडवांस बुकिंग लेवल पर सभी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ी है ना, अभी तक किसी भी मूवी ने रिलीज होने से पहले इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई है। जब रिलीज होगी तो इंडियन सिनेमा की सभी रिकॉर्ड टूटने वाली है और 2024 की सबसे बड़ी रिकॉर्ड भी बनने वाली है। तो देखते हैं ये मूवी किस तरह की रिकॉर्ड बनाती है और इंडियन सिनेमा की 2024 की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना पाती है या फिर नहीं। आगे आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी जब पुष्पा 2 आगे आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी जब पुष्पा 2 मूवी जो रिकॉर्ड बनाएगी उस रिकॉर्ड को कौन सी मूवी तोड़ पाएगी आगे आने वाले दिनों में। आप लोगों को क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी मूवी आने वाली है जो पुष्पा 2 मूवी की रिकॉर्ड तोड़ सकती है और अभी तक तो देखा जाए तो 2024 की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली मूवी बनने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब ट्रेलर आई थी उसके बाद ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस के मन में नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट क्रिएट हो चुकी है इस मूवी को देखने के लिए। जिस तरह से इस मूवी की ट्रेलर है जो ऑडियंस को देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देती है, तो ऐसे में देखते हैं ये मूवी जब रिलीज होगी तो ये मूवी किस तरह से कलेक्शन करेगी। ओपनिंग डे पर ये मूवी कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है आप लोगों को क्या लगता है, 200 करोड़ 300 करोड़ या फिर 400 करोड़ कितने करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस मूवी ने अभी तक ओवरसीज में 2.3 मिलियन डॉलर की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ये मूवी इंडियन करेंसी में होती है लगभग 24 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो ये मूवी अभी भी रिलीज होने के लिए टाइम है और इस मूवी ने अभी तक 24 करोड़ की एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर चुकी है। अब ऐसे में देखते हैं ये मूवी जब रिलीज होगी तो किस तरह से ओवरसीज से ओपनिंग लेती है। मुझे तो यही उम्मीद है कि ये मूवी ओवरसीज से एक बड़ी ओपनिंग लेने वाली है और 2024 की जितनी भी मूवी बड़ी बड़ी रिलीज हुई थी उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और सभी को बता दो इस मूवी की एडवांस बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस मूवी की एडवांस बुकिंग लिमिटेड जगहों पर शुरू हुई है। इसी वजह से इस मूवी की अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नहीं आई है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब तक इस मूवी की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ जाएगी और आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इस मूवी की एडवांस बुकिंग कलेक्शन। और आप लोग पुष्पा 2 मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं और पुष्पा 2 मूवी की डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।